आप लोगों में से कोई पहचानता है? इन्हें अक्सर यहाँ जॉगिंग करते देखा है, लोग इन्हें डॉक्टर कहते हैं, लेकिन नाम मालूम नहीं। हेलो सुदीप। हाँ, आज अखबार वाला पेपर नहीं देखे गया, आते वक्त नया पेपर लेते आना। बात दरअसल ये मैम कि मिस्टर सुधीर अपना मोबाइल यहाँ पर भूल गए। आप अगर मुझे अपना एड्रेस लिखवा दें तो मैं ये मोबाइल आपके घर पहुँचा देता हूँ। थैंक्स, नोट कीजिए। इंस्पेक्टर भारत। निशा मलिक। एनीथिंग रॉन्ग इंस्पेक्टर? ये मोबाइल देने आया हूँ मैं, ये आपका है? ये मोबाइल तो मेरे हस्बैंड का है, डॉक्टर सुधीर मलिक। बात दरअसल ये मैम कि जू बीच पर हमें एक लाश मिली है और उस लाश के पास हमें ये मोबाइल मिला है। Oh my God, Sudhir, Sudhir. Yes, Nisha. Sudhir, ये इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारा खून हो गया है बीच पर। मेरा कत्ल? फिलहाल तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मिस्टर मलिक, आज आप जू बीच गए थे? हाँ हाँ, मैं रोज सुबह जॉगिंग के लिए जाता हूँ। अच्छा, कितने बजे गए थे आज आप? ये कुछ 6:15, उसके बाद जिम, उसके बाद घर। ये जो मोबाइल मैंने मिसेस मलिक के हाथ में दिया है, ये आपका मोबाइल है? हाँ, मोबाइल और ट्रैक जैकेट दोनों मैं नारियल वाले के यहाँ भूल गया था। जब दोबारा लेने पहुंचा तो पता चला पटवर्धन ने ले गए हैं। हम उन्हीं का तो इंतजार कर रहे हैं। इसका मतलब वो लाश डॉक्टर पीसी पटवर्धन की है। मालूम हुआ कि वो शादीशुदा नहीं थे और मुंबई शहर में उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। दूर के रिश्तेदारों को हमने मैसेज भिजवा दिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया? यस सर। सुधीर, जल्दी आओ, चाय ठंडी हो जाएगी। आ रहा हूं। ओके डार्लिंग, गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। अब मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। थैंक्स। मौत का कारण है
दिल के करीब बहुत नजदीक से किया हुआ गहरा वार। लेकिन सर हथियार पर फिंगरप्रिंट्स या फिर कोई निशान वगैरह? दस्ताने पहन रखे होंगे। राइट सर। यस। ओके सर, मैसेज आया कि डॉक्टर मलिक की कार का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें ज्यादा चोट नहीं लगी और फिलहाल वो घर पर पहुंचा दिए गए हैं। मॉर्निंग मिस्टर मलिक। हेलो इंस्पेक्टर। बैठिए बैठिए, आप तबीयत ठीक लग रही है आपकी, बाल बाल बचे हैं आप। इंस्पेक्टर, क्या आपको पटवर्धन के हत्यारे के बारे में कुछ पता चला? पटवर्धन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। बहुत जल्द पता चल जाएगा मिस्टर मलिक। मिस्टर मलिक, ये बताइए कि आपका कोई दुश्मन था? मेरा जी दुश्मन? मेरा कौन दुश्मन हो सकता है? और मेरे दुश्मन का पटवर्धन के कातिल के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? ताल्लुक है मिस्टर मलिक। देखिए मैं समझाता हूं आपको। हत्यारे ने आपको मारने की कोशिश की और मिस्टर पटवर्धन ने चूंकि आपका विंचीटर पहना हुआ था, उसने बाय मिस्टेक उसको मार दिया। और जब उसे पता चला कि उसने आपको नहीं बल्कि गलती से किसी और को मार दिया, तो उसने दोबारा आपको मारने की कोशिश की आपके कार के ब्रेक्स फेल करके। पुलिस ने इस बात का पता लगाया है कि कार के ब्रेक्स फेल हुए नहीं थे बल्कि किए गए थे, और उसकी दूसरी कोशिश भी नाकामयाब हो गई। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? Oh my God, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। इसका मतलब यह है कि मौका मिलता है फिर से एक बार कातिल वार कर सकता है। कल तो डॉक्टर साहब का बर्थडे है, इतने सारे लोगों के बीच में अगर वो वैसे आपने बिल्कुल ठीक समझा मिसेस मलिक। अब अगर आप बर्थडे मनाना चाहें तो मना सकती हैं, लेकिन ना मनाए तो बेटर है एहतियातन आपके बंगले के आसपास खुफिया सिक्योरिटी अरेंज कर दी। इंस्पेक्टर, अगर ऐसा ही है तो हम इतना खतरा क्यों उठाएं? क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएं? अब्रॉड। मिस्टर मलिक, आप ये नहीं चाहेंगे कि मिस्टर पटवर्धन का किलर पकड़ा जाए, जो वास्तव में मिस्टर पटवर्धन को नहीं आपको मारने आया था? और अगर वो आपको मारने आया था तो वो आप पे दोबारा हमला करेगा, और हम ये चाहते हैं कि आप यहां रहें और वो आप पे दोबारा हमला करे, तभी वो पुलिस के शिकंजे में फंसेगा। मिस्टर मलिक, आपको क्या लगता है आपको वो क्यों मारना चाहता है? उसके पीछे मोटिव क्या है? इसके पीछे कोई तो कारण होगा, क्या आप बता सकते हैं कि वो कारण क्या है? Now let me think. करीब 6 महीने पहले मैंने अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाला था। दूसरा, मैंने एक प्रॉपर्टी का केस जीता। उस केस में मेरा मुख्य विरोधी मेरा एक एक्स सेक्रेटरी था। उस सेक्रेटरी ने पैसे का काफी घपला किया था, लेकिन यह बात भी काफी पुरानी है। मुझे तो नहीं लगता कि कल्प्रिट इन दोनों में से कोई हो सकता है। मिस्टर मलिक, हमें इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। बाय द वे मिस्टर मलिक, आप किस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं? आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, यह बताने से पहले मुझे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। दैट्स ऑलराइट, फिलहाल मैं चलता हूं। आपको तकलीफ दी, बाय बाय मिसेस मलिक।
हाउ यू? हाँ सैम, सावन घर जा रहा हूं जी। इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, उसे पर मिसेस मलिक ये तो बताइए कि आखिर हुआ क्या है? उसे उसे मार डाला। मिसेस मलिक किसके उसे, कौन है वो? किसी ने मार डाला उसे। मिसेस मलिक अपने जज्बात पे काबू रखें आप, मैं अभी वहां पर आता हूं। आई बी राइट देयर। आप रो रही? इंस्पेक्टर, सैम का कत्ल अपनी आंखों से देखकर निशा बहुत डर गई है, घबरा गई है। मिसेस मलिक आप ये बताएंगी कि आपने क्या देखा? मेरा मतलब है ये सब कैसे हुआ? करीब 1:30 बजे कोई दीवार फांद के डॉक्टर साहब के कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। सैम ने उसे देख लिया। मैंने देखा कि सैम किसी साये की बाजू को पकड़े हुए है और वो साया अपनी बाजू को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। इतने में सैम ने उसकी बाजू को दबोच लिया। उस साया ने झटके से अपनी बाजू छुड़ा के भागने की कोशिश की और सैम उसके पीछे दौड़ा, लेकिन उस साया ने गोली चला दी और फिर फरार हो गया। क्या आपको कोई सुराग मिला? मिल जाएगा डॉक्टर साहब। पहली बात तो ये डॉक्टर साहब कि अगर ये खून उस कातिल का है तो इससे हमें उसके ब्लड ग्रुप का पता चल सकता है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सुराग बन सकता है। और दूसरे ये कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कातिल को इस घर की ज्योग्राफी के बारे में बड़ी अच्छी मालूमात है। एक बात बताएंगे डॉक्टर साहब? जी पूछिए। इस घर के नौकर चाकरों के अलावा ऐसे कौन से परिचित हैं जो यहाँ पर रेगुलरली आते जाते हैं? यहाँ के नौकर मेरे बेहद विश्वास पात्र हैं और बाहर के लोगों का यहाँ ज्यादा आना जाना नहीं है। विश्वास रखिए डॉक्टर साहब, हर कातिल का आखिरी दिन होता है। एवरी डॉग हैज इट्स डे। फिलहाल चलता हूँ।
Everything fine? Yes, sir. He has reached safely. रास्ते में कोई भी खतरा नजर नहीं आया. Good morning. Good morning, doctor. And many, many happy returns of the day. Thank you very much. Make sure nobody disturbs me. Okay, doctor. अगर किसी का कॉल आए, कॉल मत लेना. मैं बाद में चेक कर लूंगा. Sure. रिपोर्ट लेके अंदर आ जाना. ओके. Microchondria in stage 1 and 14,500 microchondria in stage 2 under protoplasmic solution. And only sir, 500 microchondria are seen after the ultraviolet photon emission, sir. Good. Very good. लगता है वो दिन दूर नहीं जिसे देखने का सपना हर वैज्ञानिक देखता है. Inspector Bharat here. Pehchana mujhe. Chaliye, main hi batai deti hu ki main hu Patwardhan ki katil. Chaukiye mat. Ab ye baat to purani ho chuki. Halanki jis mustaidi se aap katil ki talash kar rahe hain, ek acha sa guldasta aapko bhejna chahiye tha. Filhal humne phoolon ka guldasta Dr. Malik ke birthday ki khushi mein research center bhej diya hai. और तोहफे के तौर पर अंदर बम भी रखा है जो ठीक 10 मिनट के बाद फट जाएगा. अब आपके लिए चैलेंज है, आप उसे बचा पाते हैं या नहीं. ओके बाय. पर हाँ, मेरा फोन अगर ट्रेस हो गया हो तो टेप ऑफ कर दीजिए. थैंक यू. मोबाइल कस्टमर, यू हैव कॉल्ड हैज स्विच ऑफ द मोबाइल फोन. बुके कौन दे गया? ड्राइवर था, उसने कहा डॉक्टर मलिक को दे देना. ओ, लेकिन अभी तो वो बिजी है. लाइट ऑफ होने को मैं दे दूंगी. जी मैडम. गुलदस्ता आपके लिए किसी ने? किसने भेजा है? देखिए ना. मलिक साहब, इस बुके को हाथ मत लगाइए.
मुझे क्यों? श्रीवास्तव मिस्टर भारत, लगता है आपको मेरा मजाक पसंद आया होगा। अगर नहीं तो सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। लेकिन एक बात जान लो तुम, किसी भी कीमत पर डॉक्टर मलिक को नहीं बचा सकते। उसके लिए आज की रात कभी न खत्म होने वाली रात होगी। गुड बाय। किसने दी तुझे ये चिट्ठी? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। किसने दी ये चिट्ठी तुझे, मैंने पूछा? मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। बता दो साहब, एक आदमी ने मुझे 10,000 रुपये दिए और कहा ये गुलदस्ता रिसर्च सेंटर में जाके रख दो। मैं वहाँ रख दिया साहब और वो फट पड़ा। मैं घबरा गया और भाग गया साहब, और कुछ नहीं साहब। सच बोलता साहब, कोई साहब नहीं था, कोई मेम साहब थी जो बुरखा पहन रखी थी। हेलो, अब या ओके ओके ऑलराइट या मैं आपकी परेशानी समझता हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन यकीन जानिए कातिल का ओवर कॉन्फिडेंस उसे कोई ना कोई गलती करने पे मजबूर करेगा और उसके बाद वो हमारे शिकंजे में होगा। कुछ भी हो इंस्पेक्टर, अगर आज भी मुझ पे हमला हुआ तो मैं निश्चित रूप से इस देश को छोड़ के चले जाऊंगा, और जब तक आप कातिल को गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक लौट के नहीं आऊंगा। डॉक्टर साहब, आज आप बेडरूम में मत सोइएगा, आज आप अपने स्टडी रूम में सोइएगा। बेडरूम में सोना खतरे से खाली नहीं। वैसे हमने सिक्योरिटी के पूरे अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, आने जाने वाले हर रास्ते पे हमने कैमरे फिट कर दिए। इस बंगले के चप्पे चप्पे पे हमारी नजर भी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। श्रीवास्तव कातिल कहीं से भी आएगा, हमारी नजरों से बच नहीं पाएगा। राइट सर। एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर वसु, डॉक्टर मलिक की असिस्टेंट? हाँ, लैब में मुलाकात हुई थी आपसे। जी हाँ, सर ने रिसर्च के बारे में कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन मांगा था। मैं अंदर बैठती हूँ, उन्हें जब भी जरूरत होगी मुझे बुला लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने तो बताया नहीं कि उन्होंने आपको बुलाया था। वो भूल गए होंगे, आजकल बहुत टेंस रहते हैं ना। अच्छा ठीक है, आप जा सकते हैं अंदर। लेकिन सुधीर, एक्सक्यूज मी मिस्टर मलिक, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है आपके लिए, जस्ट इन केस। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम लोग हैं आपके आसपास, घबराइए मत। मिसेस मलिक, मुझे आपका रूम भी चेक करना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी चेक करनी है मुझे। सो कैन यू प्लीज गाइड मी देयर? या श्योर, थैंक यू। आई मिस
I say, who goes there? Who's that? Who's that? हेलो मिस्टर मलिक, इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ। अभी भी हेडक्वार्टर से मुझे मैसेज आया कि जो लाइफ जैकेट आपको दी गई प्रोटेक्शन के लिए, दरअसल वो बुलेट प्रूफ नहीं है। व्हाट? जी मिस्टर मलिक, और जस्ट फॉर सेफ्टी से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बंगले से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा। बाय मिस्टर मलिक। हेलो हेलो इंस्पेक्टर, 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 प्लीज डोंट शूट, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, ये जैकेट बुलेट प्रूफ नहीं है। निशा, नो डॉक्टर नो, ये जैकेट बुलेट प्रूफ ही है। सो मिस्टर मलिक, आपको अपने कातिल का नाम भी पता है। नहीं नहीं नहीं, मुझ पर गोली मत चलाना, ये जैकेट बुलेट प्रूफ नहीं है निशा। निशा यानी आपकी पत्नी? थैंक यू डॉक्टर बसु, आपने जो पुलिस की मदद की है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मिस्टर मलिक ने चाल तो बड़ी अच्छी चली थी, अपनी गाड़ी के ब्रेक्स खुद फेल करवाए, उसका एक्सीडेंट खुद करवाया, लैब में ब्लास्टिंग खुद करवाई ताकि ऐसा जान पड़े कि आपके पीछे कोई लगा हुआ, आपका कोई मर्डर करना चाहता है। मुझे पहला सुराग तब मिला जब मुझे मेरे आदमी ने कहा, साहब हम लोगों ने इस बंगले पर पूरी तरह से नजर रखी हुई थी, कुत्ता भी नहीं भौंक रहा था। कुत्ता भौंक नहीं रहा था, कुत्ते के पोस्टमार्टम से यह पता चला कि उसे गोली बहुत करीब से मारी गई थी, दूर से नहीं। इतने खूंखार कुत्ते को इतने करीब से गोली कौन मार सकता है जो उसके करीब हो, और जाहिर उसके करीब कौन था? आप और मिसेस निशा मलिक, और कौन हो सकता है? कुत्ते के मुंह में ये आस्तीन का टुकड़ा, उसके साथ ये कफलिंग, ये आस्तीन का टुकड़ा आपके शर्ट का है मिस्टर मलिक, जो मिसेस निशा मलिक ने उसके मुंह में प्लांट किया था पुलिस को गुमराह करने के लिए। दूसरा सुराग तब मिला जब मुझे उस टैक्सी वाले ने कहा कि उस रिसर्च सेंटर में बूके देने वाला कोई मर्द नहीं था बल्कि एक औरत थी जिसने बुरखा पहना हुआ था। उस औरत के हाथ में एक एन गुदा हुआ था, और वो औरत कोई और नहीं मिसेस निशा मलिक थी। ये है वो एन, उस गुलदस्ते के साथ आज एक मैसेज भी था कि आज एक अटैक होने वाला है, और उसी वक्त मैं समझ गया कि ये नाटक भी मिसेज निशा मलिक ही खेलने वाली हैं।
क्योंकि मिस्टर मलिक तो कह चुके थे कि आइंदा अगर अटैक हुआ तो मैं अमेरिका चले जाऊंगा। अब ये जरूरी हो गया था कि आखिरी अटैक का नाटक खेला जाए, तभी हमने प्लान के मुताबिक निशा जी के सामने मिस्टर मलिक को वो बुलेट प्रूफ जैकेट दिया। और डॉक्टर बसु जो पुलिस के कॉन्फिडेंस में आ चुकी थी उनको मिस्टर मलिक के सामने निशा बना के भेजा। और तभी हमने फोन कर दिया कि मिस्टर मलिक वो जैकेट बुलेट प्रूफ नहीं है। मिस्टर मलिक डर गए। इससे पहले कि मिस्टर मलिक कुछ करते और निशा को नाटक नहीं करने का कुछ इशारा करते, कातिल उनके सामने था और मिस्टर मलिक के मुंह से निशा का नाम निकल गया। बस हमें और क्या चाहिए था, सबूत हमारे सामने था। मैं सच कह रहा हूं मिस्टर मलिक, मिस्टर मलिक मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं ना। हाँ इंस्पेक्टर, पटवर्धन के कत्ल के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका था। अगर हम कहीं भाग जाते हैं तो पुलिस का शक सबसे पहले हम पर ही जाता। पुलिस को गुमराह करने के लिए मैंने अपने आप पर हमले करवाए ताकि पुलिस पटवर्धन के कातिल के बजाय मुझ पर हमला करने वाले की खोज करे। खैर हाँ इंस्पेक्टर, पटवर्धन का खून मैंने ही किया। मैंने, हम दोनों एक ही सब्जेक्ट पर काम कर रहे थे, वो मुझसे जूनियर था, लेकिन जब वो मुझसे आगे निकल गया ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मलिक आज मेरी जिंदगी का सबसे अहम दिन है। देखो ना, हम दोनों ने एक साथ रिसर्च शुरू किया था लेकिन किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, किस्मत ने मेरा साथ दिया। आज जो कुछ भी मैंने हासिल किया है उसे हासिल करने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात एक करते हैं। तुम यकीन नहीं करोगे, मेरी खोजी हुई मेडिसिन से इंसान कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उस पे कभी भी वायरल इंफेक्शन का असर नहीं होगा, और तो और एक 80 साल का आदमी 40-45 का लगने लगेगा। अगले हफ्ते जर्मनी में जो इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस की बैठक होने वाली है ना, वहां जब मैं अपना रिपोर्ट पेश करूंगा तो दुनिया भर के अखबार मेरी तारीफ के पुल बांधेंगे। फिर क्या, देखते देखते मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक बनूंगा, फिर दौलत और शोहरत मेरे कदम चूमेंगे और फिर चारों तरफ एक ही नाम गूंजेगा, नंबर वन साइंटिस्ट डॉक्टर प्रकाश चंद्र पटवर्धन। सुधीर, यू आर फिनिश्ड, यू आर नथिंग। क्या दिया तुमने मुझे, झूठे सपने और 20 साल का इंतजार? अरे सेमिनार में 2-4 पेजेस पढ़ने से क्या कोई ग्रेट हो जाता है? ग्रेट तो अगले हफ्ते पटवर्धन बनेगा। नहीं निशा, नहीं, पटवर्धन मुझसे आगे नहीं जा सकता, मुझे सिर्फ 1-2 महीने और चाहिए। लेकिन वो तो अगले हफ्ते ही। अगला हफ्ता तो दूर की बात है, मैं तो उसे कल ही खत्म कर दूंगा। आई विल फिनिश हिम। और अगले ही दिन मैंने उसको खत्म कर दिया। और उसके बाद जब डॉक्टर पटवर्धन का फॉर्मूला आपके हाथ लग गया तब आपने इस देश से भागने का प्लान बना लिया, अमेरिका जाने का प्लान बनाया, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो ना सका। और अब यह आलम है कि आपने 1 नहीं 2-2 कत्ल किए हैं। पहला कत्ल आपने उस दोस्त का किया जिसने अपनी जिंदगी के बेशकीमत 25 साल इस देश की सेवा में, इस देश के रिसर्च में आपके साथ बिताए। और दूसरा कत्ल आपने इस देश के लोगों के विश्वास का किया। क्या समझते होंगे इस देश के लोग कि इस देश के साइंटिस्ट हमारे देश के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देते हैं? मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मिस्टर मलिक की इस देश के सामने एक आदर्श पेश करने के बजाय आपने आप जैसे लोगों के लिए फांसी की सजा भी कम है। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट।